इंसान पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव है, लेकिन कुदरत के आगे कितना बौना है ये इन दिनों नजर आ रहा है। जिन्होंने भी टिड्डी शब्द सुना बस है, उनके लिए किसी कीड़े का नाम है जिसे उन्होंने देखा नहीं। वैसे भी हमें कीड़ों से प्यार करना नहीं सिखाया जाता, तो उनके हिस्से में घृणा आती है। लेकिन टिड्डियों के खाते में सिर्फ घृणा नहीं है, वो आतंक भी पैदा करते हैं। जी, किसानों के लिए टिड्डी दल बड़ी समस्या होते हैं। ये घंटों के भीतर खेत के खेत चौपट कर जाते हैं, पत्ते, फूल, बीज, तनों की खाल सब खा जाते हैं। यही नहीं, जब लाखों की संख्या में ये ज़मीन पर उतरते हैं तो पौधे इनके वजन से दबकर बर्बाद हो जाते हैं। टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 2,500 लोगों या 10 हाथियों के बराबर खाना खा लेता है। नवंबर दिसंबर 2019 में गुजरात और राजस्थान में टिड्डी दल का 25 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ था। हमने आपको शो में विस्तार से बताया भी था। अभी मई का महीना भी नहीं बीता, फिर हमला हो गया। टिड्डी दल राजस्थान की राजधानी जयपुर तक में देखे गए और इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब शहरों में, ताकत के केंद्रों में इस तरह के खतरे पहुँचते हैं तब ज़्यादा नज़र जाती है। जब तक वो किसान के खेत में रहते हैं लोगों की चिंताएँ कम होती हैं। और बात सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रही, यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में भी दाखिल हो गए। फिलहाल सभी के खेतों में फसल नहीं है, इसलिए चिंता कुछ कम है, कुछ। लेकिन कई जगह मक्के की फसल अभी भी खेतों में है जो कि टिड्डियों के निशाने पर है। टिड्डियों का असर गुजरात के भी कुछ ज़िलों में है और फसलों को वहाँ नुकसान पहुँचा है। गुजरात का एक ज़िला है अमरेली, यहाँ ज़िला प्रशासन को नुकसान का सर्वे कराने के लिए 11 टीमें लगानी पड़ी। समस्या बढ़ती देख केंद्र के विशेषज्ञ भी राज्यों से बात कर रहे हैं। ये तो था कीड़ों का सैलाब, दूसरी तरफ पानी का सैलाब है, बाढ़ है। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दरांग और गोलपारा जिलों में 30,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अम्पन चक्रवात चला गया, लेकिन उसने मौसम में जो बदलाव किया उसके चलते इन जिलों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात ने ओडिशा को छुआ, फिर पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई और आखिर में बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया। लेकिन असम में इसके चलते भारी बारिश हुई जिससे लोग बेघर हुए, फसलें बर्बाद हुई। और असम की समस्या ये भी है कि बाढ़ ऐसे वक्त में आई जब सूबे में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो सरकार ऐसी स्थिति में है कि पहले एक कैंप बनवाते थे, अब दो बनाने पड़ रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन दोगुने राहत कैंप बनाकर भी संक्रमण का खतरा टालना मुश्किल है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सूबे के बाहर फंसे लोग 10 जून के बाद वापस लौटें ताकि फिलहाल सरकार पूरा ध्यान बाढ़ से निपटने में लगा सके। असम अभी से चिंतित है क्योंकि जुलाई में वहां फिर बाढ़ का मौसम आ जाएगा। अभी जो नदियां खतरे के निशान से थोड़ा नीचे हैं वो तब इस निशान के ऊपर बहने लगेंगी। असम में हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और सरकारें वो लोगों को तैरती लकड़ियों और काम चलाओ नाव के भरोसे छोड़ देती हैं और ज़िंदा रहने के लिए लोग खुद आविष्कार करते रहते हैं। तीसरी बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। अम्पन का सबसे ज़्यादा असर यहीं रहा। 80 लोगों की मौत हुई, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। आमतौर पर गांव चक्रवातों की भेंट चढ़ते हैं, लेकिन इस बार तूफान के रास्ते में थी राजधानी यानी कि कोलकाता शहर। जयपुर वाला तर्क यहाँ भी लागू होता है। खूब तेज़ हवा चली, भारी बारिश हुई, एयरपोर्ट तालाब बन गया। कोलकाता की पहचान समझी जाने वाली पीली टैक्सियाँ पानी में डूब गई। अब तूफान चला गया लेकिन जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। एनडीआरएफ अभी तक कोलकाता में राहत के काम में लगा है। आज इसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कोलकाता के कमरदंगा रोड पर चल रहे राहत अभियान की तस्वीरें पोस्ट की। जो पेड़ धराशायी हैं उन्हें एनडीआरएफ के जवान चेनसॉ से काट काट कर इमारतों से हटा रहे हैं। कोलकाता राजधानी है तो राहत के काम में तेजी है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएँ यहाँ से ज़्यादा हैं। सुंदरबन में रहने वाले लोग, वो चक्रवात के रास्ते में थे, हवा ने घर उड़ाया, जो बचा पानी में डूब गया। जो बच गए वो अब बता रहे हैं कि तूफान समंदर से पानी की इतनी बौछार लाया कि पानी खारा हो गया और पेड़ खराब हो रहे हैं। बात सिर्फ सुंदरबन की भी नहीं है, इससे इतर इलाकों की भी यही कहानी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिन लोगों का सब कुछ लुट गया अब वो उनकी तरफ आस से देख रहे हैं, उनके पास गलती का मौका नहीं है। सियासत इंतज़ार कर लेगी, फिलहाल वक्त है प्रशासनिक दक्षता दिखाने का।